तो नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त रूरल हेल्थ सेंटर रोज शरीफ में, जहाँ पे 80 से ज़्यादा मौज़ा है सब तहसील में, लेकिन इधर एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 की एक है जो एमरजेंसी में काम करती है और मरीजों को भी उठाने के लिए, यही एक एम्बुलेंस है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से अपील है कि इस 100 मौज़े सब तहसील और शरीफ में जो है एम्बुलेंस बढ़ाई जाएँ और ये जो है दवाइयाँ भी हॉस्पिटल में बढ़ाई जाएँ। दवाइयों की बहुत कमी है, या इधर के बहुत गरीब पसमानदा इलाके हैं, दरियाई इलाके हैं, गरीब लोग हैं। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से अपील है और इस पे फिल फॉर नोटिस लिया जाए और इसको एम्बुलेंस भी फराम की जाए दफ्तर में, रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में एक एम्बुलेंस है जो एक्सीडेंट में भी इस्तेमाल हो रही है और हॉस्पिटल को भी देते हैं, लेकिन मरीज जो हैं जब हॉस्पिटल में दम तोड़ जाते हैं तो फिर आती है एम्बुलेंस। एम्बुलेंसेज की तादाद बढ़ाई जाए और फिल फॉर इस पर नोटिस लिया जाए। और वज़ीर आला पंजाब से हमारी अपील है मरियम नवाज़ साहिबा से कि ओ शरीफ में डेंटल सर्जन की अशद ज़रूरत है, इधर गरीब आवाम है, बड़े मसाइल हैं। एक मशीन थी वो भी उठा के ले गए हैं डेंटल सर्जन, जिस पे मरीज़ों को दांतों का इलाज करते थे, अब कुछ भी नहीं है, डेंटल सर्जन नहीं है और ना कोई इंतज़ाम है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है और आवाम की तरफ से अपील है कि इस पे फुल फॉर नोटिस लिया जाए और तमाम मशीनरी निस्ब करवाई जाए और फाइनल करवाई जाए इस काम को।